नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि केवाईसी क्या होता है और केवाईसी करने से क्या फ़ायदे पहुंचते हैं और केवाईसी न करने से क्या इसके नुकसान होते हैं। हम इस वीडियो में डिटेल रूप से बात करेंगे। तो चैनल में अगर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले सवाल, केवाईसी क्या होता है? तो केवाईसी होता है नो योर कस्टमर्स, जो RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके निर्देश के अनुसार सारे बैंकों को ये कहा गया है कि अपने कस्टमर को जानिए। नो योर कस्टमर्स, KYC, ये किया जाता है जब आप बैंक में खाता खोलते हैं। तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगा जाता है आपका अकाउंट खोलने के लिए, पासबुक खोलने के लिए। तो ये क्यों मांगा जाता है? ताकि बैंक आपके बारे में सब कुछ जान सके कि आप हिंदुस्तान से बिलोंग्स करते हैं, कि आप भारत के नागरिक हैं या फिर आप विदेश में रहते हैं, क्या आप एक आतंकवादी तो नहीं है, ये सब कुछ जानना चाहता है बैंक। ऐसे ही थोड़ी ना आपको कस्टमर बना लेगा। और एक चीज़ की लीगल पैसा आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए KYC किया जाता है। तो दोस्तों इसलिए आपको KYC भरने के लिए कहा जाता है। तो और एक कारण होता है KYC भरने के लिए कि आपका अकाउंट अगर बंद हो गया हो, अगर आपका अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है 6 महीनों में, आपने जब अकाउंट खुला तो 6 महीने हो गए हैं या फिर 1 साल हो गया है, आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है अपने अकाउंट पर, लेन देन कारोबार कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। उस केस में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगा जाता है और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ KYC करने के लिए। तो KYC आप कर दीजिए जब भी आपका बैंक आपसे KYC मांगे। तो दोस्तों और एक बात है कि अगर आप KYC नहीं करते हैं तो आप बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते, अपना पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, आपका अकाउंट एक तरह से बंद हो जाता है। तो पैसा तो आ सकता है, डिपॉजिट किया जा सकता है पैसा, लेकिन आप विड्रॉल नहीं कर सकते, इसलिए KYC भरना ज़रूरी होता है। KYC ना करने से हमारा फ्रॉड भी हो सकता है, इसलिए हमारा बैंक हमारे सिक्योरिटी के लिए, अपने कस्टमर की सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करता है ना, KYC भरने के लिए कहता है, क्या ये व्यक्ति जीवित है या फिर डेड तो नहीं हो गया है, ये सब कुछ जानने के लिए हमें KYC मांगा जाता है। तो हमें वहाँ पर KYC भरनी चाहिए। और एक बात कि हमारे साथ फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहाँ पर फ्रॉड हो चुका है कि कोई व्यक्ति मर गया है, डेथ हो चुका है उसका, और उसका अकाउंट चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि एक इलीगल पर्सन आके उसको इलीगल तरीके से उसका पैसा क्या है ना, वो उठा रहा है, वो ले जा रहा है, वो बैंक को पता भी नहीं चलता है। तो बाद में पता चलता है कि इस व्यक्ति ने इस अकाउंट से, ये मरे हुए अकाउंट से, मरे हुए डेड व्यक्ति के अकाउंट से इतना लाख का पैसा लेकर फ्रॉड कर दिया। तो इसलिए दोस्तों इस फ्रॉड से बचिए, और बैंक जब भी आपसे अपना KYC करने के लिए कहे या फिर पोस्ट ऑफिस में जब आप भी अपना KYC करवाते हैं या फिर करने के लिए कहे, तो आप अपना KYC कर लीजिए, क्योंकि एक ज़रूरी चीज़ होती है, इससे आपका खाता और आपका पैसा सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों इसलिए आप अपना KYC करवा लीजिए, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अगर आपका खाता है जहाँ भी है, तो अपना KYC करवा लीजिए। सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, आपका एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगता है। आप अपना फॉर्म भर दीजिए, वहाँ पर KYC फॉर्म आपको देंगे, वो आप भर के वहाँ पर डिपॉजिट कर दीजिए। तो आपका 24 घंटे के बाद आपका जो अकाउंट होगा वो अपडेट हो जाता है, तो आप पैसे बाद में निकाल पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि KYC क्या होता है, KYC कब करनी चाहिए और KYC के क्या नुकसान होते हैं और KYC करने के क्या फ़ायदे होते हैं, इस वीडियो में हमने जाना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।